खेड़े भी चढ़ जाता है, जिमें बूटे को पानी मिल जाए बूटा खिड़ जाता है, पानी ना मिले मुरझा जाता है। सर्दी पानी का बचन है। जलबिन साख कुमलावती उपजय नाही बाग। जो तुम देखना हो गुरुद्वारे तो बाहर जाओगे ना तो बाग गमले च बूटे लगे ना बल्बे के जिन्हों बूटिया पानी पाया होया उन्होंने खेड़ा जिन्होंने पानी नहीं मिले उन्होंने खेड़ा देखो जरा केड़ा ज्यादा खेड़ा हो। ठीक ऐसे घर के नाल एक वो व्यक्ति है जोड़ा पानी न जुड़े है वह खेड़िया हो जोड़ा पानी टुटिया हो मुरझाया हो। हूँ जो मुरझाया हो जो भी कितने पानी मिल जाए वह भी खिड़ सकता। खेड़ा किने लैके आना है पानी ने। साडे जीवन च खेड़ा किने लैके आना है विकास खुशी आनंद बाणी। तुसीं जतन करते हो नेता प्रति गुरु की बाणी के नाल समझ पाउण दे। अज आप जी ने गौड़ी की वार दी तेरहवीं पौड़ी श्लोकां समेत का पाठ सरवण किया। हम पहला श्लोक से पौड़ी ना इन्हों का आकार छोटा है, ये विचकारला जोड़ा श्लोक है इहदा आकार थोड़ा बड़ा है। इस करके मैं फैसला यह किया है कि अज असी विचकारले श्लोक की विचार करते हाँ। कल के समय में पहले श्लोक अते पौड़ी की विचार कर लगा। हुण अज दे श्लोक दे राही पातशाह गुरु रामदास जी ने यह सुनेहा साडी झोली पाया कि जे कोई मनुख सतगुरु दे नाल वैर रखता है, सतगुरु दे नाल अंदर ईरखा रखता है, उहदा लोक भी गया उहदा परलोक भी गया। उहदी जिहड़ी हालत है ना कोई बहुती चंगी नहीं है। सतगुरु का धन लैण की थां तो अपना भी गवा लेता। हुण उह की कमाएगा की उह खाएगा की उह बचाएगा जिहड़ा सतगुरु दे नाल वैर रखदा। अच्छा जे सतगुरु दे नाल वैर रखदा है ते कुछ वो भी लोग ने जो सतगुरु की बाणी को जीवन आधार बना के जिंदे ने लोग उन्होंने भी वैर करते जो तो कि वह किसी नाल वैर नहीं करते। घर बाणी पढ़ने वाले का किसी नाल वैर नहीं है, जे है तो फिर उन्होंने समझना पेगा